सरकार को फिर से मजबूर करें कि ये जो कुछ हो रहा है उसको वापस किया जाए। साथियों, जब भी कोई आंदोलन होता है तो जो लोग होते हैं, बहुत से साथी ये कहते हैं कि बहुत अच्छा है यदि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मैं उनसे थोड़ा सा हटकर जरूर बोलना चाहूँगा कि जब भी आंदोलन होता है और आंदोलन को आपने बहुत दूर तक लेके चलना है तो वो आंदोलन बहुत शांतिप्रिय तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको चलना होगा। ये मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि आंदोलन आपका है, उसको बदनाम करने के लिए राजनीतिक पार्टियां षड्यंत्र कर सकती हैं, वो कोई भी हो सकती है। मैं नहीं कहूंगा कि वो ये एक्स पार्टी है, वाई पार्टी है, जेड पार्टी है, पूरा का पूरा आंदोलन हाईजेक किया जा सकता है। तो मेरा आपसे केवल यही निवेदन है, आंदोलन हम करें, लाखों आदमी इकट्ठे हों और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम प्रदर्शन करें और इस सरकार को फिर से झुका दें ताकि अत्याचार निवारण जो कानून अपने पास हुआ है उसको वापस लिया जाए। जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है तो 1997 में हमने एक नारा दिया था, आज मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा मेरे साथियों को कि आरक्षण जब तक रहेगा जब तक इस देश के अंदर जात रहेगी, जब तक जाति रहेगी यह आरक्षण रहेगा। आप इस जातिगत व्यवस्था को समाप्त कर दीजिए, हम कल आरक्षण नहीं मानेंगे। और यदि आपने आरक्षण को समाप्त ही करना है तो बाबा साहब ने जो मूल मंत्र हमें दिया था कि शिक्षित बनो, सरकार अपने कंधों पर यह वजन ले कि पहली क्लास से दसवीं क्लास तक का बच्चा, मेहतरानी से लेकर मेहरानी तक का बच्चा एक ही जैसी ड्रेस पहनेगा, एक ही स्कूल में जाएगा और एक ही जैसी शिक्षा लेगा, उसके 10 साल बाद आप आरक्षण को हटा दीजिएगा, हमें कुछ नहीं कहना होगा। लेकिन हमको मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, मूलभूत लड़ाई के लिए आंदोलन करना होगा, शिक्षा के लिए आंदोलन करना होगा, अत्याचारों के विरुद्ध का आंदोलन करना होगा और उस आंदोलन को उसी तरीके से करना, शांतिपूर्वक करना होगा। कि क्योंकि हम आज कल मेरे को एक मेरे मित्र कह रहे थे कि आप जो है यहाँ पर आए नहीं, ये जब सब कुछ हो रहा था पंजाब में, ये जल गया वो जल गया, तो मैंने कहा था मेरे दोस्त आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत मजबूत है, मैं मैराथन दौड़ने वाला आदमी हूँ, मुझे मालूम है एक दिन के उससे कुछ नहीं होने वाला, एक दिन के लिए आपका रास्ता जरूर खुल सकता है लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार जो है फिर से चली जाती है ये मान के चलते हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। सरकार किस तरीके से करती है, जब भी बहुत बड़ा काम होता है, जब भी बहुत बड़ा आंदोलन होता है, उसको शांत करने के लिए हमेशा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कोई और सरकार हो, ये इसी तरीके के काम किया करती है। लेकिन आपको सजग रहना होगा, आपको ध्यान रखना होगा और आपको इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाना होगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा निवेदन मैं एक और करना चाहूँगा कि हम लोग, जो लोग हमारे सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, बहुत ही गरिमापूर्ण लोग हैं, आज जानते हैं कि बहुत से गरिमापूर्ण स्थानों पर सांसद हो या राष्ट्रपति हो हमारे लोग बैठे हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ज्वलनशीलता है। आप जाइए उनसे मिलिए और उनको झकझोरिए, आप किस तरीके से झकझोरते हैं ये काम आपका है। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ है आपका आदमी, उसको झकझोरिए और उसे कहिए कि आप इस चीज़ के खिलाफ आप भी आवाज़ उठाइए, और उसको कहने का जो भी हमारा तरीका होना चाहिए, गरिमापूर्ण होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। साथियों, मेरे एक साथी ने एक बात बोला, आज के जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं उनके बारे में मैं केवल इतनी छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जो क्योंकि मैं उनका व्यक्तिगत रूप से पिछले 36 साल से मित्र हूँ। हमारे एक एडवोकेट साथी कह रहे थे कि मैंने जो है केस लड़े, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि महामहिम
श्रद्धेय रामनाथ कोविंद जी, मैं सिंडिकेट बैंक SC ST एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, उनके पास गया। ये सन 1987-88 की बात होगी जब वो एडवोकेट थे, तो मैंने उनको यही कहा जैसे आपको लोग आके कहते हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा केस लड़ लीजिए। तो मैं केवल आपकी सूचना के लिए बतलाना चाहूँगा, उन्होंने कहा सुभाष चिंता की कोई बात नहीं, मेरी फीस नहीं देना